हाय गाइस, डिस्टर्ब किया क्या रात को? नहीं, मैंने सोचा, मैंने इवनिंग जो डोर स्क्रीन खरीदा था ना, मैंने सोचा वो आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा तो लग ही रहा है। तो चलिए देखते हैं आज डिनर में क्या बना है हमारा। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ सूजी का उपमा और टमाटर की चटनी। हाँ, मैं उपमा के लिए कढ़ाई बिठा कर उसमें फोटन डाल के ग्रीन चिल्ली और डाल दिया है और पानी डालूँगी, फिर उसे नमक और बेकिंग सोडा डाल के ढक दूंगी। जब वो सब बॉयल होगा तो उसमें मैं सूजी मिला लूँगी। ये तो इंस्टेंट है, मतलब 2 मिनट नूडल्स से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये। हम क्या है ना, हम जब शॉप से आते हैं तो 10:30 ऐसा हो जाता है, इसीलिए रात में ज़्यादातर इंस्टेंट खाना ही रखते हैं। अगर रोटी बनाना होता है तो मैं शाम को आकर तैयारियां कर लेती हूँ, और टमाटर की चटनी भी मैंने शाम को बना ली थी। चलिए देखते हैं वो बॉयल हुआ कि नहीं। अभी तक नहीं हुआ। चलिए सूजी निकाल लेते हैं अभी। बस सूजी वो बॉयल हो गया, अब उसमें सूजी डाल के मिक्स कर लेंगे, उसे थोड़ा मिलाकर ढक देंगे और आँच को धीमी कर देंगे। उसे 2 मिनट ऐसे बॉयल होने के बाद फिर उपमा हमारा रेडी हो जाएगा। मैंने कुकुम्बर भी काट लिया है। बस उपमा हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए यम्मी यम्मी उपमा। चलिए अब थोड़ा और थोड़ी देर ढक के रखते हैं इसे। परोसने से पहले मैं थोड़ा बॉटल्स फिल कर लूँगी। बॉटल्स अगर रात को फिल कर देती हूँ ना, तो सुबह इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब मेरे बेटे को स्कूल के लिए ले जाना होता है, उन्हें शॉप में ले जाना होता है, और सुबह सुबह तो पानी तो सभी पीते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। और मुझे थोड़े बर्तन भी समेटने हैं। रात को ये सब कर लेती हूँ तो सुबह थोड़ा हल्का होता है, काम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो बर्तन समेटने के बाद मैं उन्हें खाने के लिए परोस दूँगी। मैं भी खाना खा लूँगी और सोने के लिए चली जाऊँगी। अभी नहीं सो पाऊँगी, अब और भी थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करना है। तो लीजिए मैं उनके लिए परोस दिया, मैं उन्हें खाना परोस के आती हूँ और मैं भी चलती हूँ खाना खाने। यम्मी यम्मी उपमा। बाद में बात करते हैं। मेरा नाइट रूटीन ब्लॉग आज का कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Good night.